हेलो सर, आपका इंश्योरेंस है? नहीं, करा लो। इसमें क्या होता है? देखिए सर, इसमें आपका अगर एक्सीडेंट होगा तो आपके इलाज का सारा पैसा हमारी कंपनी देगी। और मैं एक्सीडेंट में मर गया तो? बोलो तो लाइफ इंश्योरेंस करा लो सर। अब एक्सीडेंट में अगर आप मरेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। और ये कराएगा एक्सीडेंट में बच गया तो? तो एक काम करो, दोनों करा लो सर। और दोनों कराए का एक्सीडेंट ही ना हुआ तो? मेरी छुट्टी करवा दी। प्यार से समझाओ। देखो सर, एक दिन मौत तो सबको आनी है, तो आप भी मरेंगे तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिलेगा। और मुझसे पहले मेरा परिवार मर गया फिर? अरे कैसा दरिंदा आदमी है, तुम अपने परिवार को मार रहे हो यार। और तू जो एक पॉलिसी बेचने के चक्कर में पूरा देश मारे दे रहा, तू यमराज के साथ चला है? सर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जब आप मर जाएंगे आपकी बीबी का ख्याल कौन रखेगा? बड़ा वाला लौंडा फंस तेरी बहन, कोई बात मानने को तैयार नहीं है। अगर इज्जत बचानी है तो रिचार्ज को उतने ही पैसे कर दो जितने थे। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से। तो मुंह भर के पैसे मिल रहा है, अब नाइट पर क्यों नहीं आ रहा है? सर पहले तो तुम मुझे ये बताओ, सिम हमारी कंपनी की? तेजी कंपनी भाड़ू सिम जुल्फिकार की है। अरे तो उसने किसी कंपनी से ली होगी? ले वो तो कह रहा आधार कार्ड से ली। अच्छा ये बताओ कितने नेटवर्क आ रहे हैं? 5 डंडे आ रहे हैं। और क्या मोबाइल के बाहर निकालेगा? 5 ही तो डंडे होते हैं। फिर आवाज कट कट का क्यों आ रही है? तो सर देखिए, सामने वाले के नेटवर्क खराब होंगे। तुझे बहुत पता, मैं सामने वाले के घर में बैठा हूँ, इसके तो फूल आ रहा है। अरे मेरा मतलब है जिससे तुम बात करते हो उसके नेटवर्क खराब होंगे। तो मैं किसी ने गलत बताया, उस बेचारे के तो दोनों गुर्दे खराब है। सर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लो, तुम किसी और कंपनी की सिम ले लो, मुझे छोड़ दो। फिर तुम क्या बेचोगे? मैं बेचूंगा फुकने। भाई साहब मेरे पास ये 70 रुपए मेरी छुट्टी कर। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है। कोई बात नहीं है, ये जिसका मोबाइल है वो बंदा ही खत्म हो गया। आई एम सॉरी सर, तो आप जो खत्म हुए उनके रिश्तेदारों की तरफ से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं यमराज की तरफ से। तेरा दिमाग खराब। सर माफी चाहता हूँ, देखिए अगर इनके घर वाले रिचार्ज नहीं कराएंगे सिम बंद हो जाएगी। इनसे रिचार्ज की उम्मीद मत रख, इन्होंने तो इलाज नहीं कराया, आदमी बंद हो गया। सर मैं जान सकता हूँ इनकी मौत कैसे हुई? दौरा पड़ा दिल का? नहीं चूतड़ों का। तू है कौन? सर देखिए मेरा मतलब है कि एकदम से ही चले गए बेचारों ने, घर वालों को परेशान नहीं करा। तुझे बहुत पता है, तो इसने 6 महीने पेट पर मुंह था। अच्छा तो देखिए सर, अब तो अंतिम संस्कार ही होगा। नहीं, अब इसे पिघला कर दूसरा बनाएंगे। तू रहा है कहाँ है? सर देखिए मेरे ये बचा यार घर में घुसा जा रहा है। सर एक तो आप प्यार से बात नहीं करते हैं। वो तो माहौल दुखा है, तू नंबर सेव कर ले, ले तो मैं चुम्मी ही ले। अब तुम्हारा भाई BMW कार लेकर ही मानेगा, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। हेलो हेलो सोनू भाई, तुम्हारा भाई अब करोड़ों का आदमी है। करोड़ों? तुझे तो कोई पूरा भी बेच देगा तो तू 13 सौ का नहीं बिकेगा। अरे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली यार मैंने, अब मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि घर में रखने की जगह नहीं बचेगी। ये बात तो सही है। हाँ। जब घर ही बिक जाएगा तो जगह कहाँ से बचेगी? अरे मजाक बना रहा हूँ, जिस दिन मेरे नीचे 10 लोग जुड़ गए ना, याद रखना कामयाबी मेरे कदम चूमेगी। सबर कर, वो 10 लोग मिलकर तेरे पैर तोड़ देंगे, न होंगे कदम न कामयाबी चूमेगी। मुझे पता था तुम्हारे जैसे छोटी सोच वाले लोग कभी बड़ी आदमी नहीं बन सकते। तेरी सोच बहुत बड़ी, तेरी बहू का चुम्मा ले लिया, तू पंचायत में 300 मान गया। तुम्हें बहुत पता, और 150 रुपए बहू ने पहले ही ना ले लिए थे। हेलो 450 में निपटी। और अरे भैया लाइट ठीक कर दो ना, ये मेरे अंदर तार डालकर मेरा करंट खींच लेंगे। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ। ये हर मिनट पर लप्पा मार कर लाइट काट ले रही है, क्या बात इकट्ठी नहीं हो रही है? तो सर देखिए, हम लाइट इसलिए काटते हैं क्योंकि अगर ज्यादा देर लाइट रहती तो तारे गर्म पड़ जाती हैं। जब तारे गर्म पड़ लेंगे तो तू बिजली ठंडे पानी से क्यों नहीं बना रही है? अरे पागल आदमी, तारों पर लोड ज्यादा है इसलिए लाइट कट रही है। जब गीली लाइट भेज दोगे तो लोड तो होगा ही। हम कह रहे हैं भैया तुम 2 मिनट सुखा लियो। तेरे अपा का अच्छा नहीं है जो सुखा के भेज दो। और पहले तो तू ये बता, तू अपना बिल जमा करा? टूटी फूटी लाइट का कौन जमा कर रहा? टूटी फूटी? और जैसे ये झटके मार रही है, इसे बनाने से पहले इसमें 2 बूंद पुलियों की डाल ले करो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, जिस हिसाब से तुम लाइट के झटके मार रहे हो मेरा पंखा कंफ्यूज हो गया, ये दोपहर से उल्टा चल रहा है। तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। पंखे में से खाली गुनगुन की आवाज आ रही है, ये तुम्हारी लाइट ने पंखा पागल ही कर दिया।